आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आज कौन है हमारे साथ? पंचायत के विकास। जी हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रेष्ठ भारत में। साथ में तिरिच के जो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, संजीव के झा, वो भी हमारे साथ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि तिरिच आपने पोस्टर रिलीज किया आज, ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर्ड, क्या डिफरेंस है दोनों में? ब्लैक एंड व्हाइट लव है और कलर जो है वो हमारा जनरेशन है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन लव एंड ट्रेंडिंग। दैट्स द डिफरेंस। अच्छा, अगर मैं बोलूंगी, क्योंकि आजकल OTT में इतने सारे मूवीज आ रहे हैं, मार धार और एकदम रोमांस ये सब आ रहा है, तो ये कितना अलग है उन सब मूवीज से? मार धार और एक्शन और रोमांस से भरपूर इसमें कुछ नहीं है, संवेदना से भरपूर बहुत कुछ है, सोसाइटी के लिए बहुत कुछ है। इट इज़ अ स्टोरी दैट इज़ वेरी क्लोज टू आवर एवरीवन्स हार्ट, जो भी इस फिल्म का हिस्सा बने हैं। तो लेकिन हर फिल्म का एक अपना इंग्रेडिएंट होता है, हर खाने का अपना इंग्रेडिएंट होता है। तो हमारी कहानी में सेंसिटिविटी, सोसाइटी के अंदर की छोटी छोटी तकलीफें, पिता पुत्र के रिश्ते, और जैसा मैंने बोला कि एक शहर में अकेले पड़ गए एक आदमी के ऊपर हो रहा वायलेंस, तो ये अपने आप में बहुत रोमांचित करता है, जस्ट टू सी व्हाट हैपेंस इन द टुडेज डेज। आपको स्क्रिप्ट राइट करने में कितना समय लगा? क्योंकि आपने एक बुक पढ़ी, उस बुक के थ्रू आपने ये स्टोरी पिक की, और आपने अपना कितना इसमें कलाकारी दिखाई आपने? कई बार होता है कि लोग बुक में जो लिखा है उससे अलग ही कुछ लिखते हैं, क्या आपने वैसा कुछ किया कि बुक से रिलेटेड ही आपने रखा चीज़ें? नहीं, बदलाव हमने उस लिहाज से किए कि एक फिल्म को जितने बदलाव चाहिए, फिल्म का अपना जो स्ट्रक्चर है, उसका अपना जो तरीका है। देखिए, कहानी में चीज़ें ना बहुत थॉट्स में चलती हैं, किरदार क्या सोच रहा है, व्हाट कैरेक्टर इज थिंकिंग कैन बी अ शॉर्ट स्टोरी बट इट कांट बी अ फिल्म व्हाट अ कैरेक्टर इज थिंकिंग। तो कहानी में था वो था कि बड़ा इंटरनल था, वो फिल्म में जब आया तो वो एक्सटर्नल बन के आया है, वो तो दैट्स द डिफरेंस। अच्छा, आपने जबड़िया जोड़ी लिखा जिसमें मल्होत्रा थे, है सिद्धार्थ मल्होत्रा, इसके बाद परिणीति चोपड़ा, इसके बाद आप कोई मूवी और लिखने की कोशिश कर रहे हैं बॉलीवुड के लिए कुछ अलग सा? सी, देखिए, बॉलीवुड अपार्ट फ्रॉम ऑल द फैक्ट, दिस इज द ट्रूथ दैट द एंटायर वर्ल्ड लव्स बॉलीवुड। बीच में जब सॉन्ग और म्यूजिक और डांस रुक गया था कोविड टाइम में, व्हेन देयर वाज ओनली OTT, ओनली ऑल द वायलेंट द वे यू सेड, तो विदेशों से फोन आते थे कि यार इंडियन सिनेमा में क्या हो गया ये, देर इज नो सॉन्ग, देर इज नो रोमांस, देर इज नो लव स्टोरी। उस वर्ल्ड का ना एक अपना ब्यूटी है, तो डेफिनेटली कुछ अच्छी कहानी जो उस स्ट्रक्चर में बनाई जाएगी, उस सेटअप में, उस तरह के लोगों के साथ बनाई जाएगी, तो बनेगी डेफिनेटली। हम उम्मीद करते हैं जल्दी आप लिखें ऐसी स्टोरीज। पंचायत के विकास से मैं बात करूं या चंदन रॉय से बात करूं, क्योंकि विकास के नाम से आप फेमस हैं? मुझे लगता है आप चंदन रॉय से बात करें तो ज़्यादा सही रहेगा। आपने जब पंचायत 3 किया, 3 भी आपने किया है और फर्स्ट पार्ट से आप हैं, फर्स्ट पार्ट आपके पास आया कैसे, क्योंकि एक आप अलग ही कैरेक्टर बन के उभरे हैं उस मूवी से? तो वो ऐसे आया कि जब आप मुंबई में होते हो और आप रोज़ सुबह निकलते हो काम की तलाश में, ऑडिशन देने के लिए भटकते हो, हर कास्टिंग एजेंसी में जाते हो, नॉक करते हो और आप पूछना पड़ता है क्या मैं फिट हूँ, तो वो लोग बोलते हैं यस यू आर फिट, नॉट फिट, ये चलते रहता है। तो ये चलता रहा और एक दिन ऐसा आया कि मैं सही जगह नॉक किया, कास्टिंग बे, बहुत खूबसूरत एजेंसी है, और उसके जो मेरे दोस्त उस समय के लतिन घई, शुभम, ये लोग मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, उन लोगों ने कहा हाँ यार एक छोटा सा कैरेक्टर है, एक दिन का कैरेक्टर करेगा तू? तो क्या ना कि हमें ना एक दिन नहीं दिखता था, हमें दिखता था पैसे, क्योंकि हमें ना महीने गुजारने होते थे। तो मुझे लगता है हाँ यार अगर एक दिन का अगर इतना होगा तो मेरे 1.5-2 महीने तो गुजर जाएंगे, है ना। तो मैंने कहा हाँ मैं करूँगा, और एक दिन का ऑडिशन दिया था छोटे से कैरेक्टर के लिए, बट ये ऑडिशन हमारे राइटर डायरेक्टर को बहुत पसंद आया, उनको लगा यार इसको हम ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकते। पंचायत का कोई डायलॉग सुना दीजिए, क्योंकि लोग बहुत क्रेजी हैं उस चीज के लिए। नौकरी में आपको एकदम मन नहीं लग रहा है ना, कोई बात नहीं, हम भी 2.5-3 साल एगो मीडिया हाउस में काम किए थे, लेकिन हमारा मन नहीं लगता था तो हम छोड़ दिए, लेकिन आप में प्रतिभा है, आप खूब मन लाए काम कीजिए।
बहुत सफल होएंगे आप। थैंक यू। और पंचायत 3 का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लोगों से ऐसा लग रहा है कि वेट किया नहीं जा रहा है, तो वो कब आने वाला है और उसमें क्या कुछ अलग किया है, थोड़ा सा रिवील करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं करूंगा रिवील, मैं तो पूरी सीरीज ही हम लोग लेके आ रहे हैं, अगले महीने पूरा अच्छे से रिवील कर दिया जाएगा, है ना। तो अगले महीने पंचायत 3 आ रही है, नेक्स्ट मंथ के एंड में आ जाएगी, और सीजन 1, 2, 3 उसी का एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा, कुछ नए कैरेक्टर्स होंगे और कुछ क्रेजी सीन है इसमें, और बहुत सारे खूबसूरत इसमें इवेंट हैं, तो प्लीज़ देखो यार, मजे करो आप लोग। आप बिना बोले भी बहुत अच्छा एक्सप्रेसिव आपका होता है, जैसे चूना में आपने किया एक्ट किया, तो एक्सप्रेसिव है बड़ा आपका, बिना बोले भी आप लोगों के दिलों पे छा जाते हैं। हाँ, मुझे क्या लगता है ना कि यार जो स्क्रिप्ट में लिखा है उसमें कई सारी चीज़ें हैं कि आप बिना बोले आप सिर्फ आंखों से आप काम कर सकते हो, बट मुझे कई बार लगता है ना कि तू इतना मतलब बतौर अभिनेता सीन में, अभी तो हमें इंटरव्यू तो बोलना पड़ेगा, बट हम जब हम सीन कर रहे थे तो मुझे लगता है एक्टर इतना बोल क्यों रहा है, तू ये लाइन नहीं बोलता, अगर ये एक्सप्रेशन देता तो काम चल जाता है ना। हम रियल लाइफ में भी कई बार इग्नोर कर, मतलब जरूरत नहीं होती तो नहीं बोलते ना, तो प्लीज हमें ये करना चाहिए। एक अभिनेता इस बात से मुझे ये याद आ गया कि शाहरुख खान को भी यही बोला जाता था कि जब वो शुरू शुरू में आए थे कि बहुत अपनी आंखों से अपने चेहरे से बहुत एक्सप्रेसिव हैं, तो वही चीज आपका भी मुझे लग रहा है लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, अगर ऐसा है तो। तो ये थे हमारे साथ ये पूरी स्टार कास्ट तिरिज के साथ में पंचायत 3 के विकास। तो ऐसी और स्टोरीज को देखने के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। मैं हूँ गार्गी, मेरे साथ है कुलवंत सिंह।